पंजाब पुलिस ने अमृतसर में गोल्डन टेंपल के आसपास 5 दिनों के अंदर 3 ब्लास्ट करने वालों को पकड़ने का दावा किया है। कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के अनुसार इन 5ों ने ही 5 मई से 11 मई के बीच 3 धमाके किए। 10 मई की रात गोल्डन टेंपल के पास 3रा धमाका होते ही हाई अलर्ट पर चल रही पुलिस के साथ साथ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीमें एक्टिव हो गई। सबसे पहले SGPC की टास्क फोर्स ने मुख्य आरोपी आजाद अबीर सिंह को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। आजाद अबीर की निशानदेही पर कुछ ही घंटों में 4 अन्य आरोपियों को भी दबोच लिया। इनके नाम अमरिक सिंह, साहब सिंह, धर्मेंद्र और हरजीत है। इनमें से अमरिक सिंह अपनी पत्नी के साथ गुरु रामदास सराय के कमरा नंबर 225 में रह रहा था। पुलिस उसकी पत्नी से भी पूछताछ कर रही है। 5 आरोपियों में से धमाका में मेन रोल आजाद अबीर और अमरिक सिंह का रहा। दोनों शुरू से शरारती रहे हैं। आजाद अबीर को रिश्वतखोरी की वजह से सरकार नौकरी से डिसमिस किया जा चुका है। वहीं अमरिक सिंह को ड्रग का आदि बताया गया है। इन दोनों ने वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह पर NSA लगाने से नाराज होकर धमाके किए हैं। अमृतपाल को 23 अप्रैल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद आजाद अबीर ने इन धमाकों की प्लानिंग की। 5 यानी अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद इन धमाकों का सिलसिला शुरू किया गया। इसी के साथ बने रहे राजनामा TV के साथ।